नमस्कार, मैं हूं मानसी राठौर। डिजाइन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में चल रही शिव महापुराण में पंडित प्रदीप मिश्रा का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिसकर्मी रतनलाल बाइक से ड्यूटी जा रहे थे, उन्हें दुर्घटना में गंभीर चोटें आई है, उपचार जारी है। भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कें कर्फ्यू की तरह सुनसान दिखाई देने लगी है, इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे हैं। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर खड़े हुए विवाद पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाकी सरकारों को भी कानून का पालन करना चाहिए। यूपी सरकार भी कानून के अनुसार काम कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में इसी बात पर विवाद जारी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रतलाम में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण आयोजन में शामिल होने यहाँ पहुँचे थे, जहां उन्होंने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और मंच से भजन गाकर समा बांध दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहाँ पर इतनी विशाल जन समुद्र बोल रहा हूँ मैं इसको, चारों तरफ सिर्फ मुंड मुंड दिख रहे हैं। ये जन समुद्र ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर अशोक पोरवाल जी और उनकी पूरी टीम ने इस गढ़ कालिका मंदिर के अंदर ये कथा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जरा तालियां बजाकर इनका स्वागत। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से हर थाने को निर्देशित किया गया है कि मंदिर हो या फिर मस्जिद, जहां भी अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, उन्हें तुरंत उतरवाया जाए। साथ ही तय मानक के अनुरूप ही लाउडस्पीकर का प्रयोग धार्मिक स्थलों पर हो। सभी सरकारों को ऐसी ही सख्ती दिखाना चाहिए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन हो सकेगा। क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश में इस तरह की शक्ति आप दिखाएंगे? देखिए, कानून के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए और यूपी की सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है। बाकी राज्य सरकारों को भी कानून का पालन करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसका सरकारों को पालन करना चाहिए, करवाना चाहिए। और अदर महाराष्ट्र में भी जो विवाद उठा वो इसी बात पर उठा है कि हाईकोर्ट का निर्णय है कि इतने डेसिमल तक आपको साउंड बजाना चाहिए, यदि उससे ज़्यादा बज रहा है तो सरकार को चाहिए कि वे अपने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, कानून का राज चलाएं। हम कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, किंतु कोई हमें हमसे अन्याय करे तो उसको बर्दाश्त करना भी बड़ी हिंसा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी आप ईश्वर के स्वरूप देखेंगे, उनके एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। शस्त्र हम जब भी उपयोग करते हैं जब समाज में धर्म की हानि होती है, अदरवाइज शस्त्र के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम लोग हिंसक समाज है भी नहीं हमारा। तो क्या समय आ गया शस्त्र उठाने का? नहीं, ऐसा है कि शस्त्र साथ में लेकर चलते तो हमेशा थोड़ी को उठाने की बात होती है। शास्त्र हमारे, हमें शास्त्र से काम चलाते हैं ना। अभी तो हम शास्त्र से ही काम चला रहे हैं। अभी ऐसा कोई समय नहीं आया कि हमें शस्त्र उठाना पड़े। पर हाँ, हमारे शास्त्र के माध्यम से समाज को मजबूत करना, चूँकि हमारे पास है वो ताकत, इसलिए हमारी जवाबदारी और सारे विश्व को हम संदेश भी यही देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, यही हमारी विशेषता है। जिले की धामनोद तहसील में एक पुलिस कर्मचारी अज्ञात कारणों के चलते हादसे का शिकार हो गया। पुलिस कर्मचारी को दुर्घटना में गंभीर चोटें आई है, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी अनुसार पुलिसकर्मी रतनलाल अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। रतनलाल को यह भी नहीं पता था कि वह किस वजह से या किन कारणों से हादसों का शिकार हुआ है। बहरहाल धामनोद चौकी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया आपका, कहां पर हुआ, कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे होता है।
आगे से लिखा ब्रेक लगा दिया था, आगे वाला ब्रेक लगाया जाता है, गाड़ी स्लिप खाई है, किसी से टकरा गया सामने जाता। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा अमृत महोत्सव 23 से 29 अप्रैल 2022 तक। कथा स्थल कनेरी रोड ग्राम मथुरी हरथली फंटा त्रिवेणी धाम रतलाम। समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। निवेदक जवाहर व्यायामशाला एवं अंबर ग्रुप रतलाम। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8899468989, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। नजदीक पहुंच चुका है। बुधवार को रतलाम में 43 डिग्री के करीब अधिकतम तापमान दर्ज किया। रतलाम में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के चलते रतलाम शहर की सड़कें कर्फ्यू की तरह सुनसान दिखाई देने लगी है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही जरूरी काम होने पर बाहर निकल रहे हैं। वहीं इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए छायादार जगह और गन्ने की चरखी पर पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गर्मी के तेवर आने वाले दिनों में और बढ़ने वाले हैं, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। रतलाम जिले में अधिकतम तापमान 44 डिग्री इससे पूर्व वर्ष 2017 और 19 में रहा है, लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह की शुरुआत में ही भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 8 अप्रैल को रतलाम में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आगामी दिनों में पारा 44 डिग्री के ऊपर जा सकता है। वहीं रात का अधिकतम तापमान भी रतलाम जिले में 24 डिग्री बना हुआ है। रतलाम शहर के नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग, शहर में माही नदी का जल कब तक रतलाम पहुंचेगा, इसका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला है। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल मतदाताओं से वोट प्राप्त करने के लिए इस समस्या को हल करने का वादा तो करते हैं, लेकिन आज तक कोई इस वादे को पूरा नहीं कर पाया है, जिसके चलते रतलाम शहर के सारे उद्योग धंधे भी खत्म हो गए। पानी की समस्या के चलते कोई भी नया उद्योग रतलाम शहर में स्थापित नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब शहर की जनता को ही जागना होगा। वर्षों पुरानी मांग, रतलाम को माही पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए लामबंद होना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। वर्तमान में आज विधायक, सांसद, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार एक ही दल की है। इस समस्या का समाधान अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो आसानी से हो सकता है।
माही के पानी को लेकर 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे नगर निगम परिसर में जन आंदोलन किया जाएगा। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में चल रही शिव महापुराण में पंडित प्रदीप मिश्रा का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिसकर्मी रतनलाल बाइक से ड्यूटी जा रहे थे, उन्हें दुर्घटना में गंभीर चोटें आई है, उपचार जारी है। भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कें कर्फ्यू की तरह सुनसान दिखाई देने लगी है, इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे हैं।